चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। भारत का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का है और 5 ट्रिलियन तक अपनी अर्थव्यवस्था को ले जाने के लिए भारत को अपने देश में यानी कि हमें अपने देश में औद्योगिकरण करना होगा, बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा और बहुत सारे क्षेत्रों में हमें नए नए कार्य करने होंगे। इसमें ऊर्जा का भी अपना एक स्थान है, लेकिन ऊर्जा की अपनी एक सीमा भी है। पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भर रहते हुए हम इतने सारे विकास कार्य नहीं कर सकते, हमें इसका विकल्प तलाशना होगा और इसी एक विकल्प में शामिल है हाइड्रोजन ऊर्जा। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का विषय हाइड्रोजन ऊर्जा पर है। आज का हमारा विषय है वैकल्पिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है से। हाल ही में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि 2021 और 22 के लिए वो अपना राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन में बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है, जैसे कि इसमें शामिल किया गया है कि हाइड्रोजन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने में क्या क्या बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं और इसका कैसे मैक्सिमम उपयोग हो सकता है, इसके लिए इसमें रोड मैप बनाया गया है। साथ ही हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसमें ये भी देखा गया है कि हाइड्रोजन का उपयोग करके हम अर्थव्यवस्था का विकास तो करें ही, पर पर्यावरण के क्षेत्र में भी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम नए नए विकास इसमें शामिल कर सके, ये सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन है क्या। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बजट 2021 में इसकी घोषणा की गई है और इस घोषणा में वर्ष 2022 तक भारत के 175 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है बजट में, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही हरित ऊर्जा की दिशा में भारत में हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की योजना भी है और जो हरित ऊर्जा से चलेगा, जीवाश्म ईंधन पर इससे निर्भरता कम हो जाएगी। साथ ही ये संयंत्र की बहुत सारी और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि इससे ग्रीन स्केल्ड स्टोरेज समाधान उपलब्ध हो पाएगा और साथ ही अमोनिया उत्पाद के लिए फीड स्टॉक का काम भी ये करेगा। इसके साथ ही ये क्यों महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए हमें ये सारे पहलू पे बात करनी होगी कि जैसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ेगा तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के इस समय में, जहां जलवायु परिवर्तन की वजह से पर्यावरण में बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, वहां भी इस तरह की वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने से ये कार्बन के उत्सर्जन को ये कम करेगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज भी ज़्यादातर ऊर्जा जो है हमारी तापीय ऊर्जा पर निर्भर करती है और तापीय ऊर्जा का जो सोर्स है वो कोयला होता है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा के उपयोग को देखना या उसके यूज़ को देखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन ऊर्जा होती क्या है। हाइड्रोजन एक बहुत ही किफ़ायती ईंधन होता है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये स्वच्छ ऊर्जा होती है। ये स्वच्छ ऊर्जा क्यों होती है? ये स्वच्छ ऊर्जा इसलिए होती है कि जब इसका हम उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद जो उत्पाद निकलता है वो पानी होता है, जो कि पूरी तरह से प्रदूषण रहित होता है। यानी कि हाइड्रोजन का हम उपयोग करेंगे ऊर्जा के रूप में और जो उससे उत्पाद हमें मिलेगा वो हमें जल के रूप में मिलेगा, जिससे पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही इसकी उच्च ईंधन कारगरता के कारण ही इसका उपयोग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण में भी किया जाता है, रॉकेट ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऊर्जा में भारत अपना भविष्य देख सकता है और उस पर बहुत ज़्यादा तेजी से अनुसंधान कार्य हो भी रहे हैं और भी होने चाहिए ताकि हम इस विकल्प का उपयोग जल्दी से जल्दी कर सके। लेकिन इस अच्छी चीज़ का उपयोग करने के लिए, यानी कि इस स्वच्छ ईंधन के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए, हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसका उत्पादन ही कठिन है, और अगर इसका उत्पादन हो भी जाता है तो इसके बाद इसका भंडारण बहुत ही खर्चीला और बहुत ही मुश्किल है। हाइड्रोजन के उत्पादन और दोहन में उपयोग की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं, जिनमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक शामिल है, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी आदि सारी तकनीकें इसमें शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारी तकनीकें अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, और ये प्रारंभिक अवस्था में होने के बाद भी अगर हम इनको सफलतापूर्वक इनका इस्तेमाल करना भी चाहें तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। उसके साथ ही एक और बड़ी चुनौती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी प्रतिक्रिया करता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है। इसी की वजह से इसका यूज़ रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। पर अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो इसको हम विस्फोटक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को नियंत्रित करना भी असंभव नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, इसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिस ने की है, और 1883 में लेवाशे ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा है। क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जल कर जल बनाता है, इस वजह से इसको हाइड्रोजन नाम भी दिया गया है। आवर्त सारणी में यह सबसे पहला तत्व है, जो कि सबसे हल्का भी है। इसके साथ ही ब्रह्मांड में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिए, मैं यहाँ कह रही हूँ ब्रह्मांड, ना कि पृथ्वी। ब्रह्मांड में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और तारों का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से ही बना है। इवन तारों और सूर्य दोनों का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। इसके एक परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार यह सबसे सरल परमाणु भी है। इसके साथ ही प्रकृति में यह द्वि आण्विक गैस के रूप में पाया जाता है, और वायुमंडल के बाह्य परत का मुख्य संघटक भी है। हाल ही में इसको वाहनों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शोध कार्य भी हो रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए, इसके बारे में और बात की जाए, तो यह एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है, यानी कि ये गंध रहित, स्वाद रहित और रंगहीन होता है। हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है। जलने का ताप बहुत उच्च होता है। ज्वाला रंगहीन होती है, यानी कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन जल रहा होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। जलकर यह जल यानी कि H2O बनाता है, और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 बनाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर उपलब्ध होता है। तो असंयुक्त हाइड्रोजन बड़ी अल्प मात्रा में वायु में पाया जाता है। ऊपरी वायु में इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। सूर्य के परिमंडल में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह बहुत सारे जैविक पदार्थों में भी मिलता है, जैसे कि जल, पेड़ पौधे, काष्ठ, जांतव ऊतक, अनाज, तेल, वसा इत्यादि में यह पाया जाता है। अम्लों में भी यह घटक पाया जाता है, घटक के रूप में होता है। अम्लों का ये आवश्यक घटक होता है हाइड्रोजन। क्षारों और कार्बनिक यौगिकों में भी यह पाया जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन ऊर्जा और हाइड्रोजन के बारे में हमने लगभग सभी मुख्य बातें कर ली हैं, और आज के हमारे विषय पर इतनी ही चर्चा हम इस विषय के बारे में करने वाले हैं। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाइड्रोजन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, हाइड्रोजन की खोज 1866 में हेनरी कैवेंडिस ने की थी। कथन दो, यह एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। कथन तीन, हाइड्रोजन वायु या ऑक्सीजन में जलता है, और जलकर यह जल और अत्यल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। उपरोक्त में सत्य कथन है। विकल्प ए, एक और दो, विकल्प बी, दो और तीन, विकल्प सी, एक और तीन, विकल्प डी, एक, दो और तीन। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। यानी कि फेसबुक से संबंधित जो अभी न्यूज़ कंटेंट को लेकर विवाद हो रहा है फेसबुक का, जिस कंट्री के साथ, वो है ऑस्ट्रेलिया। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.